अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त रात के 7 बजे हैं और अंधेरा हो चुका है। ये है जी इस्फहान में पुल ख्वाजो। ये अभी मैं थोड़ा दूर से इसकी मूवी बना रहा हूँ ताकि पास जाऊंगा तो पास जाके ना ये कुछ नहीं नज़र आता इसका। ये आपको आवाज़ नहीं आ रही बीच में, इसके पुल के नीचे जो रानी बड़े बड़े बाबे हैं या इनकी महफिल जमी होती है तो वो बैठ के वहाँ पे वो अपनी डफली शफली बजाते हैं और वो सॉन्ग वगैरह गाते हैं, तो अपना एक रंग जमाया होता है उन्होंने। तो ये भी एक यहाँ की यादगिरी है जो कि मैंने बोला अभी ग्राउंड पे निकले हुए हैं, तो ये भी आपको जो ना दिखा लूँ। इसमें सामने ये देखें, ये सफ़ेद लाइटें लगी हुई हैं, ये नीचे रास्ता है पैदल घूमने का, और ये पीछे देखें ये बहुत बड़ा मैदान है, मैदान प्लस इसको पार्क कह सकते हैं आप। इसके अंदर लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, लोग इन्जॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, सैर सपाटा कर रहे हैं। और पीछे बैक साइड पे जो लाइटें नज़र आ रही हैं आपको, वो बाज़ार हैं और घर हैं, बिल्डिंगें हैं कि लोग रहते हैं यहाँ पे। ये देखें एक ज़बरदस्त माहौल है। ये है जी देखें, ये इधर लाइटें लगी हुई हैं और ये दूर जा कर राहदारी बनी हुई है। ये पीछे भी हैं, बेंच भी हैं, लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो पुल के नीचे एंजॉय हो रहा है, इसकी आवाज़ें आ रही हैं आपको इसमें वीडियो में नज़र आ रही हैं कि नहीं, सुनाई दे रही हैं कि नहीं, लेकिन मैं वो आवाज़ें सुन रहा हूँ कि अच्छा माहौल गर्म किया हुआ उन्होंने। और ये जो सामने देखें, जो नीचे पुल के बारंदरी हैं वहाँ पे बैठे हैं, जेंट्स भी बैठे हैं, औरतें भी घूम रही हैं और जोड़ों जोड़ियाँ बना के भी बैठे हैं अपने अपने चक्कर में कि कब मौका मिले और कब। वो कहते हैं पपियाँ जफियाँ थे, बस अगर समझ जाओ यार, सारा माहौल ऐसा ही है। तो ये देखिए सामने एक ये जोड़ा जा रहा है हाथ में हाथ, और जैसे ही अंधेरा मिला तो कहते हैं सीने से सीना और होल से मिले होल, मर खूब धक्के तो निकले सफ़ेद सफ़ेद, ये सारी कहानी हुआ फिर। या होटलों में जाते हैं या नहीं तो फिर रात के टाइम पे यहाँ पे मौज मस्ती करते हैं। बाकी यहाँ का माहौल खुला है, पाकिस्तान में तो ऐसा माहौल कोई सोच भी नहीं सकता कि गले आगे मिलते हैं, वो उधर से आ रहा है, वो उधर से आ रही है और आगे ऐसे गले मिलेंगे कि जैसे पता नहीं पुप्पी की बेटी है वो, और वहीं से उन्होंने एक दो लड़के इकट्ठे होने हैं तो उस मोहतरमा को लेके उन्होंने दाएं बाएं खिसक जाना है कि चलो भाई, क्या कहते हैं फिर रजिया फंस गई गुंडों में, वो एक बेचारी और चार पांच, तो फिर वो चलता है सारा गेम ताकि उनका भी प्रोफेशनल है, उनका भी स्टेमिना है, उनका भी कारोबार है, तो उन्होंने भी कमाना है तो खाना है, यहीं से कमाना है तो यहीं से ही खाना है उन्होंने। तो फिर कहते हैं जैसा माहौल हो तो वैसा फिर हो जाता है। यहाँ पर अभी तो रात हो गई है लेकिन शाम के टाइम जो ना यहाँ पे भी हुक्के वालों की लाइनें लगी होती हैं, जो औरतें भी लड़कियाँ भी बैठ के शीशा पीती हैं और यंग लड़के हैं वो भी शीशा पीते हैं, और एक माहौल होता है बनाया हुआ उन्होंने। अभी वो आगे की तरफ सारा पूरा ऐसे ही माहौल बना हुआ है, वो मज़ा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। वो
जैसे भी आप कमेंट्स में आप कहेंगे वैसा ही मौजू आपको वीडियो बना के दिखाया जाएगा। ओके, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।